सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो क्या सब एकदम बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस आज हम दोबारा से एक न्यू गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है रशियन कार ड्राइविंग यूएजेड हंटर। अब बेसिकली गाइस यार याली गेम ना लिटरली बता रहा हूँ इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है ना, जिंदगी में मैंने आज तक ऐसी गेम कभी नहीं देखी। और जो उसका साइज है ना वो भाई 100 MB से भी नीचे होने वाला है। बाय द वे ये वाली गेम ना 2-3 GB की गेम्स को ना काफी इजीली टक्कर दे सकती है, वो भी अच्छे तरीके से। बाय द वे मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। इसमें हम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं वो भी एकदम खतरनाक लेवल की, साथ साथ में हम इसमें रेसिंग कर सकते हैं। रेसिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन गेम में, ये आप देख लेना। और साथ साथ में इसमें आप काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशन कर सकते हैं और भी इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी अगर मैं बता देता तो सारा का सारा जो सरप्राइज है ना वो बेकार हो जाएगा। सो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे आप बताना मुझे कि आपको ये वाली गेम कैसी लगी, अगर आपने इस वाली गेम को ट्राई किया है तो। ठीक है, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जाके इसको डाउनलोड भी कर लेना। भाई अभी हम यहाँ से ना न्यू गेम स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज वो मैंने इसे पहले खेला था थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने के लिए, मज़ा तो काफ़ी आया था। सो अभी हम यहाँ पे ना सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं अपने स्टेट का नाम हरियाणा। ओके, अरे ये क्या डाल दिया मैंने। ओके ठीक है, तो अभी हम यहाँ से लिख देते हैं हरियाणा HR54 लिखते हैं ना, लिखा जाएगा क्या HR54। अरे नहीं यार, दो ही अक्सर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ना 54 डाल देते हैं सीधा। ओके तो ये मस्त है। बाकी हाँ ये जो नीचे रशियन लिख रखा है ना इसको मैं इंडिया में कन्वर्ट आई थिंक नहीं कर सकता। सो यहाँ पे अपना निक नेम डाल देते हैं जो कि रहेगा रोहित, बस ओनली रोहित लिखते हैं। एंड भाई तो यहाँ पे मोड कौन सा है, यहाँ पे सिमुलेटर मोड है और पैसे बैलेंस स्टार्टिंग में हमको बैलेंस की तरह मिलने वाला है 25,000, बट आप यहाँ पे इसको इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। डिक्रीज पे यहाँ पे आपको 5,000 मिलेंगे और इंक्रीज पे आपको यहाँ पे 50,000 मिलने वाले हैं। तो इसको आप सही से कर लेना क्योंकि पैसों की नस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। वैसे अभी हम यहाँ पे ना अपना अवतार भी चेंज कर सकते हैं अपने गैलरी से भी, बट अभी के लिए मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा, गेम को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अपनी गेम है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी देखते हैं कि इसका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है। भाई जो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जल्द से जल्द यार लाइक कर दो और साथ साथ में डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जाके ज्वाइन कर लो यार। अभी मुझे 10 भाइयों की ओर जुड़ता है, जल्दी से हो यार, वहाँ पे अपने 100 मेंबर्स हो जाएंगे डिस्कॉर्ड पे और वहाँ पे हम पूरी मस्ती करते हैं भाई। सो क्या अभी हम यहाँ पे टैप करके इसको कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइस सर अपनी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो इसके ग्राफिक्स है ना उनको मैंने अल्ट्रा मैक्स लेवल पे कर रखा है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि साली गेम के ग्राफिक्स कितने ज़्यादा रियलिस्टिक है। भाई जो अभी हम यहाँ पे आए हैं एक बंदरगाह पे, सी पोर्ट ऑफ प्रीमोर्सक सिटी। ओके सो हम प्रीमोर्सक सिटी के बंदरगाह से होते हुए आए हैं और अभी के टाइम पे यहाँ पे एक बस आ रही है प्रोडक्शन AB Games 89। आई डोंट नो ये क्या था भाई जो, इस वाली गेम के ग्राफिक्स एक नंबर है इस गेम के हिसाब से, बिकॉज ऑफ ये वाली गेम जो पूरी की पूरी सिटी और विलेज के ऊपर बेस्ड है। भाई तो अपना जो रोल है ना वो तो भाई विलेज में ही होने वाला है, जुको वो विलेज में हम आने वाले हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो 382 थी, बट अब यहाँ पे हम भी आ चुके हैं इसके चलते जो इसकी पॉपुलेशन है ना वो 383 हो चुकी है। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं आई थिंक सो। ओके तो यहाँ पे अपनी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है और बस जा चुकी है एंड हम यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हैं। और अपना करेक्टर भाई काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे हेल्थ है, स्टेमिना, ओके ये सब तो भाई नॉर्मली इस वाली गेम में काफ़ी खतरनाक तरीके से हमको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर हेल्थ है, स्टेमिना है, अपना जो भी खाने पीने का सिस्टम है और नीचे साइड पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बाद में बताएंगे ना। ओके रिटर्निंग होम, तो फाइनली गाइस हम काफ़ी टाइम के बाद अपने इस वाले विलेज में आए हैं बिकॉज ऑफ हम कहीं पर चले गए थे, अब वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे सीन्स रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त भी लगते हैं। सो अब ये काम करते हैं, जले चलते हैं आगे साइड पे, ग्राफिक्स एकदम मस्त लग रहे हैं और इसकी चिमनी से जो धुआं आ रहा है ना वो एक नंबर है। और जो स्काई आप देख रहे हो ना भाई ये भी एकदम मस्त है, बादल देखो भाई कैसे चल रहे हैं। ओके सो ये आई थिंक सो कि ये भाई रशियन भाषा में बात कर रहे हैं, बट आई डोंट नो भाई इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके तो ये रहा अपना घर एंड यहाँ पे चलते हैं एंटर द हाउस। अभी देखते हैं कि अपने घर में भाई जो अपना जो विलेज है ना वो काफ़ी मस्त है और इस वाले विलेज में ज़्यादा बंदे भी नहीं रहते और इस विलेज के हिसाब से जो अपना ये घर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार। भाई जो इस साइड पे अगर हम चल के देखें तो ये रहा अपना टॉयलेट, मतलब बाथरूम
एंड इस साइड पे तो भाई कुछ है ही नहीं, ये अलमीरा है आई थिंक सो। एंड आगे चलते हैं, एंड आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं कि हमको यहाँ पे क्या करना है। ओके सो यहाँ पे ना एक लेटर है जो कि अपने मॉम और डैड की तरफ से आया था। जो अपने मॉम डैड है ना वो भाई अपनी दूसरी सिटी में चले गए हैं, बिकॉज ऑफ जो अपने डैड है ना इस वाली गेम में उनकी जॉब लग चुकी थी काफ़ी तगड़े वाली, तो भाई वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और अभी मैं इस वाले गांव में आया हूँ। और जो मनी थी वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, फाइंड द गैराज की। ओके तो अपने गैराज भी है इस वाले विलेज में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम है ना भाई हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं बाय द वे इस वाले विलेज में। तो अभी इसकी लोकेशन यहाँ पे आई थिंक सो की लोकेशन। ओके ये रही वो की, इसको हमने पिकअप कर लिया है। अब क्या करना है भाई, टास्क क्या है, गो आउटसाइड। ओके तो अभी हमको यहाँ से बाहर निकलना है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना यार, इसको खेलते हो ना भाई, मुझे अपने गांव की फीलिंग जैसा लगता है कि हाँ भाई मैं इस वाली गेम में रियलिटी में हूँ। एंड यहाँ पे फ़ोन एंड बैकपैक इन्वेंट्री। अच्छा इस वाली गेम में हमारे पास फ़ोन भी है भाई, एंड द प्लेयर्स फोन इज़ द मेन टूल फॉर एक्सिस गेम। ओके तो यहाँ पे नॉर्मली भाषा में बताया गया हो कि ये रहा अपना फ़ोन, कि जो अपना इस वाली गेम में जो ये अपना फ़ोन है ना ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। बाय द वे गाइस जो ये फ़ोन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इस वाली गेम में हमारे लिए। एंड यहाँ पे नेटवर्क दिखा रखा है, टाइमिंग दिखा रखा है, और जो ये फ़ोन है ना ये भाई 3G है। अगर ये 5G फ़ोन होता ना तो ज़्यादा मज़ा आने वाला था। अब यहाँ पे ऐप्स पे चलते हैं, और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रखी है, द एप्लीकेशन मेन्यू इज़ अनएबल विल परफॉर्मिंग द मिशन। ओके तो अभी हम यहाँ पे मिशन के चलते ना इस वाले फ़ोन में कुछ नहीं चला सकते। सो अभी काम करते हैं, चले चलते यार अपने गैराज में, बाय द वे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड इसको खोलते। ओके सो गाइस यार ये रहा अपना प्यारा सा गैराज, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे भाई, तो यहाँ पे टायर्स पड़े हैं और यहाँ पे आड़ कबाड़ की चीज़ें पड़ी हैं, ये अपने भाई यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा अच्छे तरीके से। भाई तो ये रही अपनी प्यारी सी कार जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है यार। एंड यहाँ पे ना हमको एक नोट ढूंढना है जो कि अपने लिए फादर्स ने छोड़ के गया था। ओके तो यहाँ पे टास्क अपडेट हो चुका है, फाइंड वसीली इन द विलेज। ओके सो अभी हमको यहाँ पे वसीली को फाइंड करना है, और मैं काम करता हूँ गाड़ी में बैठ के यहाँ पे जाने वाला हूँ वसीली के पास, एंड इसको स्टार्ट करते हैं भाई दे। ओके अभी इसको स्टार्ट है, टैंक इज एम्प्टी, कॉल अ टॉय ट्रक फॉर हेल्प। बट मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ क्या? हाँ नहीं यार, तो अभी एक काम करते हैं। ओके यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे लोकेशन दिखा रखी है आई थिंक। ओके ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे मैं भाग के जा सकता हूँ, और वसीली को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है भाई। तो वसीली सामने ही खड़ा होगा भाई, क्योंकि लोकेशन दे रखी है ऑब्वियस सी बात है। एंड यहाँ पे अपना जो स्टेमिना है ना, स्ट्रेंथ है ना, वो कम हो चुकी है। सो अभी एक काम करते हैं, पैदल ही चलते हैं भाई ईजिली। ओके तो अभी एक काम करते हैं, इसके साथ बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बोलता है भाई। ओके भाई मेरी तरफ देख रहा है, चोबू ये है भीर है भाई, वो कोल्ड ड्रिंक भाई और पीछे 2-3 बोतलें और पी गया अकेला अकेला भाई, मुझे पूछ भी नहीं रहा। चलो अब इससे बात करते हैं भाई। सो ऑलराइट गाइस सर, अभी देखो मेरी वसीली के साथ बात हो चुकी है, और गाइस जो वसीली है ना वो अपना बहुत पुराना फ्रेंड है भाई। जब मुझे वसीली से काफ़ी कुछ पता लगा है, वसीली बोल रहा था कि अभी तुम्हारे पैर की हालत ठीक है, मतलब कि अपने साथ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके चलते अपने पैर पे ना बहुत गंदी चोट आ गई होगी, जिसके चलते भाई ये पूछ रहा था कि तुम्हारी अभी हालत कैसी है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है या फिर नहीं है। भाई साहब हमने यहाँ पे बोला कि हाँ हमारी जो तबीयत है वो एकदम ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट तो ये आता है कि जब भी आप किसी से मिशन करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ना आप अपने हिसाब से मिशंस को ले सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको जो भी बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो काफ़ी ईजिली। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसके हिसाब से आपको मिशन मिलने वाला है। सो मैंने इसको बोला कि हाँ भाई मैं एकदम मस्त हूँ, फिर भाई वसीली बोल रहा था कि मैं दूसरे सिटी में था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बाय द वे मैं अभी फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, और जो मेरा काम था ना वो अभी बहुत ज़्यादा रुक चुका है, तो मुझे ना अभी ना दूसरी सिटी में जाना है, मतलब कि ना दक्षिण दक्षिण साइड में जाना है, दक्षिण वाले शहर में। तो ये बोल रहा है कि तुम मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दो, तो मैंने इसको बोल दिया कि हाँ भाई यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो भाई मेरा इतना पुराना दोस्त है तो तू आ ही सकता है। तो अभी काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एंड सबसे पहले तो मैं आपको एक नमूना इसका छोटा सा अभी दिखा देता हूँ भाई। तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एंड इसको वसीली को लेके चलते हैं भाई दूसरे सिटी में। तो अभी यहाँ से हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, एक बार मैं सड़क पे चला जाऊँ उसके बाद मैं आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखो भाई, तो वेट एक मिनट रुक जाओ बस। ओके सो अभी आप यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मीटर साइड पे ध्यान दो, आपको कुछ दिख रहा होगा और ये आवाज़ भी आ रही होगी टन टन की। सो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पे सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। सो फाइनली मैंने यहाँ पे सीट बेल्ट लगा लिया है, और जो अपना शीशा है ना
वो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है, जिसके लिए हम आखिर भाई पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इस पर जब हम वाइपर मारेंगे ना, तो भाई शीशा एकदम चकाचक हो जाएगा, मतलब एकदम मस्त हो जाएगा, सारा कुछ दिखाई दे रहा है। और शीशा नॉर्मल बात है, जो शीशा है ना वो भाई साफ भी हो गया, जिसका अभी बंद करते हैं। एंड अभी चलते हैं आगे साइड पे। भाई साहब हमको यहाँ पे ना 7 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, और आप यहाँ पे ना इसका मैप देख सकते हो भाई, मैप जो है ना इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, लिटरली बता रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैप है इसका। ये मत सोचना कि ये छोटा सा मैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है भाई। ओके तो अभी काम करते हैं, हम जल्दी से इसको लेके चलते हैं सीधा इसकी दी गई लोकेशन पे। एंड रास्ते में आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे ना एक शॉर्टकट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं सड़क से गया ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एंड यहाँ के जो आस पास का इन्वायरमेंट का साउंड है ना भाई, उसको सुनो आप ध्यान से, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई। तो आप एक काम करते हैं, इस साइड से निकलते हुए चलते हैं। एंड सबसे प्यारी बात तो यह है कि यहाँ की जो ऑफ रोडिंग है ना, वो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है भाई। तो आपको मैं एक छोटा सा नमूना दिखा देता हूँ, जो कि आई थिंक तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके ये रही भाई ऑफ रोडिंग करने के लिए मस्त जगह, यहाँ पे आप ऑफ रोड कर सकते हो, बट यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है ना वो पूरे गंदे तरीके से धस चुकी है, अटेंशन आ रहा है, इसको पूरा नहीं होने देना है भाई। मैं इसको ना 4x4 कर लेता हूँ और लो गियर पे कर लेता हूँ, डाउन गियर पे मैंने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे देखो क्या जोर लग रहा है, और आगे का मुझे अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। देखो पानी गिरना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे आगे का भी भाई देखना है। ओके सो यहाँ पे भाई अभी देखो यार, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, खैसते भाई मज़ा आ रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। ओके तो फाइनली हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं ना। ओके बाहर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे मैं अपना जो गियर है उसको भाई डाउन से अप कर लेता हूँ। एंड इसके लिए भाई मैं इसको अगले वाला टायर, इससे बैलेंस गाड़ी ज़्यादा रहेगी। एंड वेट इसका ना मैं ये रोकता हूँ, वाइपर रोकता हूँ एक मिनट, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी गिरता हूँ, और अब जाके मैं इसको दोबारा से वाइपर से क्लीन करता हूँ। तो आप यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से क्लीन होने वाले, यार हुआ नहीं भाई, ज़्यादा ही धस गई मेरे ख्याल से। तब ये काम करते हैं, वाइपर को बंद करते हैं, और याली बातों से ध्यान हटाते हुए इस कच्चे सड़क से चलते हैं, कच्चे घोर से जाने वाले हम। एंड ये रास्ता आई होप सो कि मुझे सही दिशा में लेके जाए यार। एंड चलिए यहाँ से निकलते हैं। अरे 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 क्या हो गया भाई, खींच ना, 4x4 करूँ क्या, नहीं छोड़ो भाई, इसको ऐसे ही निकालते हैं यहाँ से। ओके भाई गाड़ी अपनी यार बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे धस चुकी है, मतलब गंदी हो चुकी है। तो अब ये काम करते हैं, जल्दी से दी गई लोकेशन से चलते हैं, और अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ना तो मैं आपको ज़रूर से वो दिखाने वाला हूँ। सो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस यार अभी देखो सामने की साइड में पुलिस खड़ी है भाई, तो पुलिस से भी भाई बचना पड़ेगा बाय द वे। एंड यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, और वेट यहाँ पे क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है भाई। भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं, पुलिस भी आ रखी है, कभी भी अपना बेतुक में चलान काटता है। जी हाँ आपने सही सुना, इसमें अगर आप ओवर स्पीड पे चलते हो या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी तो आपका चलान कटना पक्का है, और चलान कटेगा तो सही, वो भी भाई काफ़ी अच्छे खासे पैसे आपके लगने वाले हैं। साथ साथ में आपको 1 मिनट तक जेल में भी रहना पड़ेगा इस वाली गेम में, मतलब आप प्रिजन में भी बंद हो सकते हो 1 मिनट के लिए, एंड उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। और बाकी की जो बाकी की बातें हैं ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलो अभी जल्दी चलते हैं अपने दूसरी सिटी में, और यहाँ का ब्रिज आ चुका है, तो गाड़ी को जल्दी से भगा के हुए ले कर चलते हैं यार। अभी यार काफ़ी ज़्यादा दूर है यार, लिटरली बता रहा हूँ यार, इसके जो रास्ते हैं ना देखने में ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा छोटी सिटी है। ये रही देखो साउथ सिटी में हमको जाना है। एंड यहाँ पे और भी कौन कौन सी सिटी है, यहाँ पे ये एक विलेज है, ये भी विलेज है, और यहाँ पे एक और ये भी सिटी है, ठीक है, एंड अपना यहाँ पे एक विलेज है। तो चलो अब एक काम करते हैं, चले चलते हैं दी गई लोकेशन पे, लेट्स गो। और गाइस यार अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अपनी गाड़ी है ना इसके शीशे पे फ्रंट साइड पे भाई साहब यहाँ पे पत्ते गिर चुके हैं। और गाइस यार इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, मतलब यार ये छोटी मोटी चीज़ें ना इस वाली गेम को इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देती है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ भाई। और वाइपर के साथ अगर आप इसको करोगे तो जो पत्ते हैं ना वो साइड में हो जाएंगे। सो चलो अगर इसमें और कुछ नया मिलता है तो आपको जरूर बताएंगे भाई। तो अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पे, लेट्स गो। एंड वेट 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 अभी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जो ये चीज़ है ना भाई, यहाँ पे ब्रेकर है ना, और यहाँ पे जो धक्का लगता है ना, एक नंबर भाई, क्या फीलिंग देता है वो। एंड मैं सही भी जा रहा हूँ, हाँ सही जा रहा हूँ भाई, कभी पता लगे भाई बातों के चक्कर में उल्टा घुस गया कहीं पे। तो ओके अब यहाँ पे इसको मोड़ते हैं, और हाँ स्टार्टिंग में ना आपको स्टेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, तो उसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि इस वाली गेम का स्टेयरिंग बहुत घटिया है, बट हाँ बाद में जाके पता लगा था कि हाँ इस वाली गेम का जो स्टेयरिंग है ना वो ठीक है, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी मुझे।
तो यहाँ पे इंडिकेटर देते हुए हम निकलते हैं साइड लेफ्ट साइड पे। सो लेट्स गो। और यहाँ पे भाई दो ब्रेकर और आ गए एंड इनको भाई ओए हो क्या मज़ा आ गया भाई, लिटरल यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गेम को खेल के। एंड चलो दीगर लोकेशन पे आते हैं और अभी इससे बात भी कर लेते हैं। सो राइट गाइस, अभी देखो अपना याला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और गाइस यार मेरी वसीली के साथ भी बात हो चुकी है। वसीली हमको ये बोल रहा था कि अगर तुमको पैसों की जरूरत है या फिर तुम काम करना चाहते हो तो अपने यहाँ पे इगोर नाम का एक बंदा है जिसके पास एक महान मैकेनिकल काम करता है और उसको एक ना ड्राइवर की जरूरत है। तो यार यहाँ पे ना ऐड बहुत आती है। और गाइस यार जो वो मैकेनिक है ना उसको भाई एक ड्राइवर की जरूरत है, अगर हमने उसके लिए काम किया एज अ ड्राइवर तो वो हमको काफ़ी अच्छे खासे पैसे देने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके लिए भाई काम करने के लिए जाएंगे और देखते हैं कि इसमें और भी कौन कौन से मिशन रहने वाले हैं। भाई जब मिशन को हम नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे और अभी के टाइम पे ना मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ना अपना बैक कैमरा भी कर सकते हैं और जो अपनी गाड़ी है ना वो भाई पूरी तरीके से गंदी हो रखी है भाई, तो इसको भी भाई वॉश करवा लेंगे। एंड मतलब ज़्यादा गंदी नहीं है, थोड़ी बहुत ही गंदी है। एंड यहाँ पे रेडियो है, हॉर्न भी है, हॉर्न की वासना काफ़ी मस्त है। लाइटिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा खतरा है, 3D लाइटिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है जो कि भाई GTA 5 में भी होती है। एंड यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ओह मैंने स्टॉप कर दिया भाई, और बारिश हो गई भाई। और आपको एक बात बताऊँ ना भाई साहब, याली गेम इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देती है ना जब बारिश आती है। वेट एक मिनट, हम अंदर बैठे हैं और अभी का जो साउंड है ना उसको ध्यान से सुनो। वेट मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो रहा हूँ। गाइस यार जो ये साउंड है ना भाई साहब दिल को छू लिया यार इसने। तो अब एक काम करते हैं बैक चलते हैं एंड अपनी सिटी में चलते हैं दोबारा से। सो लेट गो। और आपको ना मैं अभी एक और जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी वेट करो थोड़ा सा, हम थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और यहाँ पे ना अपने जो वाइपर्स हैं ना इनको ऑन कर लेते हैं। एंड आप यहाँ पे सड़क पे भी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्यारे तरीके से ड्रॉप गिर रहे हैं उसके बारिश के। और भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है यार, ये खेल के देखो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी आपको ना मैं एक मस्ती चीज़ दिखाने वाला हूँ, बस एक बार सीधी सड़क आ जाए फिर मैं आपको वाली चीज़ दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे सीट बेल्ट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो चलिए चलो ओके। तो यहाँ पे भाई ये नोटिफिकेशन आती रहेगी भाई जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। एंड यहाँ पे ये देखो भाई, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अगर आप लोग अपनी जो सीट बेल्ट है उसको हटा देते हो और कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है आपका तो आप सीधा भाई हॉस्पिटल में आ जाओगे भाई। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मैं अभी बात कर लेता हूँ और देखता हूँ कि अभी चोट जो है वो मेरे कहाँ पे लगी। ओके तो गाइस यार यहाँ पे मेरे ब्रेन पे मतलब हेड पे एकदम खतरनाक तरीके से चोट लग गया एक्सीडेंट के टाइम पे। सो अभी यहाँ पे अपने पास काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस है, बट अभी यहाँ पे चेकअप के लिए ना हमको यहाँ पे 9,590 रुपये पे करने पड़ेंगे भाई रशियन करेंसी में आई थिंक। सो यहाँ पे हमने पे तो कर ही दिया ऑलमोस्ट, तो अभी एक काम करते हैं यहाँ से बाहर चलते हैं। ओके तो अभी देखो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर आ चुका हूँ एंड अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी है भाई। ओके तो गाइस यार गाड़ी का जो शीशा है ना वो भी टूट चुका, अब इसको ठीक करवाने पे भी मैं भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने वाला है। बाय द वे आगे साइड पे तो कुछ दिक्कत नहीं आई है, बस जो यहाँ पे शीशा है ना यही टूटा है भाई। एंड गाड़ी अपनी ठीक ठाक है। एंड अभी भाई मुझे बहुत ज़ोर के टॉयलेट लगी है, तो अभी एक काम करता हूँ मैं भाई यहाँ पे टॉयलेट कर लेता हूँ यहाँ पे पीछे साइड पे। ओके एंड यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा है ना भाई, तो अभी एक काम करते बैकपैक को ओपन करके यहाँ पे टॉयलेट, अरे बाथरूम आ नहीं रहा भाई मेरा। ओके ओके यहाँ भाई जितना करना था कर लिया भाई। जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसमें हम अपने मतलब कि इसका जो करेक्टर है ना इसको भाई टॉयलेट भी करवा सकते हैं इस वाली गेम में, जहाँ मर्जी करवा दो वो कोई अलग बात मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं गाड़ी में बैठते हैं, बट यार अभी बहुत गंदी फीलिंग आने वाली है यार गाड़ी में बैठ के। ये देखो यार अपना शीशा टूटा हुआ पड़ा है यार, चलो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं इस सोच वाइपर मारने से भाई हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं यहाँ पे भाई ओके गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अभी हम यहाँ से निकलते हैं भाई। एंड इसमें इस वाली गेम में कुछ और कमी है क्या, मतलब कुछ और है क्या जो मैं आपको बता सकता हूँ भाई? तो अभी मैं सोच लेता हूँ। एंड यहाँ पे वो भी है भाई, फाटक भी है, फाटक भी है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मतलब उसके लिए सॉरी ट्रेन के लिए। एंड चलो गाइस यार अभी इस वाली गेम के बारे में आपको मैं और तो कुछ मुझे नहीं पता है जहाँ तक लगता है,
और हाँ आपको मैं बता दूं कि आपको इस वाली गेम में लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस आपको यहाँ पे आके बनवाना पड़ेगा, आई थिंक सो यहाँ पे मे बी, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आके लाइसेंस बनाना पड़ेगा। एंड लाइसेंस बनाने के बनवाने के लिए आपको कुछ टास्क रहेंगे, कुछ ड्राइविंग स्किल्स रहेंगे जिनको आपको कंप्लीट करना रहेगा, तब जा करके आप इसमें अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपनी इस वाली गेम में रेस लगाने के लिए, वो सब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। सो आप लोग इंतज़ार करना, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। बाय द वे अगली जो गेम है ना वो GTA San Andreas की है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी बता देना कि आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। तो चलो गाइस सर आज की इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Everybody's gonna see it.